गाइस, माय नेम इज विशु एंड यू आर वाचिंग बॉलीवुड कैलेंडर। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे सेगमेंट अनसुनी बातों में अक्षय कुमार जी के बारे में। राजेश खन्ना जी को अपनी फिल्म जय शिव शंकर के लिए एक युवा एक्टर की तलाश थी। अक्षय उसे हासिल करने के लिए राजेश खन्ना के दफ्तर जा पहुंचे, लेकिन 3-4 घंटे के इंतजार के बावजूद भी राजेश खन्ना की उनसे मुलाकात नहीं हुई। और बाद में बताया क्या हुआ? सोचो सोचो, चलो मैं बता देती हूँ। यही राजेश खन्ना अक्षय कुमार के ससुर बने। किसी इंसान का एक सुपरस्टिशन होता है, वैसे ही अक्षय कुमार किसी भी पेज में ओम लिखने से पहले कुछ नहीं लिखते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अक्षय कुमार को खाना बनाना और खाना खिलाना बहुत पसंद है। वैसे मुझे भी खाना खाना बहुत पसंद है, वो बात अलग है कि मैं दिखती नहीं हूँ। खैर छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। मास्टर शेफ होस्ट कर चुके अक्षय कुमार बैंकॉक में शेफ की नौकरी भी कर चुके हैं, जहां उनकी तनख्वाह महज 1500 रुपए थी। हम उनके एक सुपरस्टिशन के बारे में तो पहले ही बात कर चुके हैं, अब हम उनके दूसरे सुपरस्टिशन के बारे में बताते हैं। अक्षय कुमार का लकी नंबर 9 है, क्योंकि उनका जन्म भी 9 सितंबर को ही हुआ था। अधिकतर लोग जानते हैं कि अक्षय कुमार की पहली फिल्म सौगंध थी, लेकिन अक्षय कुमार की पहली फिल्म मेरी बीवी का जवाब नहीं था, जिसमें उन्होंने श्रीदेवी के साथ काम किया। अक्षय कुमार ने अपने फिल्मी करियर में कई फिल्में की, जिनमें से 8 फिल्मों में उनका नाम विजय और 7 फिल्मों में उनका नाम राज था, जिनमें से 5 फिल्मों में उनका नाम राज मल्होत्रा था। अवार्ड्स लेना तो हर किसी को पसंद है। अक्षय कुमार को फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए 8 बार नॉमिनेट किया गया, जिनमें से 2 बार उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। साल 2010 के ओलंपिक में अक्षय कुमार को ओलंपिक टॉर्च लेकर दौड़ने का मौका मिला। अक्षय कुमार उन चुनिंदा सेलिब्रिटीज में से हैं जिन्हें ओलंपिक टॉर्च लेकर दौड़ने का मौका मिल चुका है। अक्षय कुमार को इंडिया में ही नहीं, विदेशों में भी सम्मान मिल चुका है, जिनमें से जापान का कटाना सम्मान प्रमुख है। ये थी अक्षय कुमार से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें। आपको जो बात सबसे इंटरेस्टिंग लगी हो, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल बॉलीवुड कैलेंडर। तो फिर से मिलते हैं कुछ नई अनसुनी बातों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। मैं फिर मिलूंगी आपसे। टाटा बाय बाय।